चलिए बेटा हमें स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड और सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड के लिए यूज में आता है और हमेशा एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। एक क्वेश्चन हमेशा होता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को हम इस टॉपिक को आज बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। अब बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हम क्या करेंगे आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे यहां पे उसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम आज आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, स्टडी करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर हम दूसरा स्टडी करेंगे कि आपकी सोर्सेज ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। ये आज हम स्टडी करेंगे तीन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए देखिए सबसे पहले हमारे लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता होती है। सपोज की जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करनी है। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास फंड्स की आवश्यकता है, कैपिटल की आवश्यकता है, और वो कैपिटल सपोज करो रुपीज 20 लाख कैपिटल की आवश्यकता है, रुपीज 20 लाख कैपिटल की आवश्यकता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रुपीज 20 लाख हमारे पास से आएगा कहां से, ये क्या सोर्स होगा इस पैसे को लाने का, इस रुपीज 20 लाख को हम किसी की सोर्स से हम पैसा लाएंगे। तो मान लिया जाए कि ये रुपीज 20 लाख है, हम तीन सोर्सेस से पैसा रेज करते हैं, इक्विटी, फिर आपको प्रेफरेंस, फिर आपका डेब्ट। हम तीन सोर्सेस से सपोज कीजिए पैसा लेकर आते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेब्ट, तीन सोर्सेस से पैसा लेकर आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इक्विटी से पैसा लेकर आया, प्रेफरेंस से पैसा लेकर आया, डेब्ट से पैसा लेकर आया, सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज हमने इक्विटी से पैसा लेकर आया, सपोज कीजिए 10 लाख रुपीज हमने प्रेफरेंस से पैसा लेकर आया, सपोज कीजिए हमने 5 लाख रुपीज हमने डेब्ट से पैसा लेकर आया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो फंड्स प्रोवाइडर्स है, इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी, डेब्ट, क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा प्रोवाइड करेंगे कंपनी में? तो फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा प्रोवाइड नहीं करेंगे, फंड्स प्रोवाइड करने की कुछ ना कुछ पैसा लेंगे, कुछ ना कुछ उनकी नीड होगी, कुछ ना कुछ डिजायर रिटर्न होगा, अपने रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हुए वो फंड्स को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमें मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने कहा कि 20% से ये आपको 12% की डिजायर रिटर्न है इक्विटी का, हमने आपको यहाँ पे कहा 10% डिजायर रिटर्न है, हमने यहाँ कहा 8% की डिजायर रिटर्न है, तो ये जो 12% है, ये जो 10% है, ये जो 8% है, इंडिविजुअल फंड्स प्रोवाइडर का अपनी एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपेक्ट करता है कि ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन आई विल रिसीव दैट अमाउंट ऑन माई कैपिटल, ऑन माई कैपिटल। तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। इसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इस चैप्टर में हमें यही स्टडी करनी है कि ये जो 12% आया तो कैसे आया, ये जो 10% आया तो कैसे आया, ये जो 8% आया तो कैसे आया, और दूसरी यहां पे ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने आपको बाकी सारे की एक साथ मिला दिया जाए तो कितनी आपको कॉस्ट होगा, कितना आपका कॉस्ट होगा वो आपको बतानी है, ठीक है ना बेटा। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा और ये कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना बेटा। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहा जा सकता है, हम आपको एक डिफाइन करते हैं। कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल, मान लिया जाए मैंने आपको कॉस्ट निकाला, तो कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल 12% ऑफ रुपीज 5 लाख, ये रुपीज 60,000 होगा कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस कैपिटल 10% ऑफ रुपीज 10 लाख, ये 1 लाख आ जाएगा। कॉस्ट फॉर डेप्ट कैपिटल 8% ऑफ 5 लाख, ये आपको 80,000 आ जाएगा, सॉरी 40,000 हो जाएगा, 40,000। कॉस्ट फॉर कैपिटल रुपीज 20 लाख, कॉस्ट फॉर कैपिटल रुपीज 20 लाख, ये रुपीज आपको 2 लाख रुपया हो जाएगा। कॉस्ट फॉर कैपिटल 20 लाख, ये रुपीज 2 लाख हो जाएगा। तो ये 2 लाख आपकी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। इसी को क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 लाख, कॉस्ट फॉर कैपिटल 20 लाख, 2 लाख। कॉस्ट परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2 लाख कॉस्ट है 20 लाख कैपिटल पे, तो कितनी परसेंटेज हो गई, 10% आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। तो ये जो 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, ये जो 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, ये क्यों 10% हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है तो इसका 10% रुपीज 2 लाख मिनिमम आपको इस 20 लाख कैपिटल पे कमाना पड़ेगा। ये 20 लाख कैपिटल पे, 20 लाख कैपिटल पे 10% से रुपीज 2 लाख आपको मिनिमम कमाना पड़ेगा टू मीट द एक्सपेक्टेशन, टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ फंड्स प्रोवाइडर, फंड्स प्रोवाइडर जो उन्होंने पैसा दिया उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपीज आपको कमाना पड़ेगा, 2 लाख रुपीज आपको कमाना पड़ेगा टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंड्स प्रोवाइडर। तो ये जो 2 लाख रुपया होगा वो आपको मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। अब कैसे, सपोज कीजिए ये 2 लाख रुपया आया, इस 2 लाख में सबसे पहले डेप्ट को देंगे, डेप्ट को रुपीज 40,000 देंगे, फिर उस 2 लाख में आप प्रेफरेंस को देंगे, प्रेफरेंस की एक्सपेक्टेशन कितनी है, 1 लाख है,
फिर 1,40,000 तो आपका फिक्स है जो कि देना ही है। और डिजायर ऑफ इक्विटी कितनी है? डिजायर ऑफ इक्विटी, इक्विटी की डिजायर आपको 60,000 है। तो जिन्होंने पैसा दिया उनके लिए टोटल आपको कमाना कितना पड़ेगा? 2 लाख रुपया कमाना पड़ेगा, जो कि मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है। और इसी को क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंड्स प्रोवाइडर, डेब्ट फंड प्रोवाइडर, प्रिफरेंस फंड प्रोवाइडर इक्विटी। इनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। दैट इज द सेट टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप 2 लाख नहीं कमा पाते हैं, मान लो कि आपने ₹1,80,000 कमाते हैं, 1 लाख आपको कमाना चाहिए था, 2 लाख आपने 1,80,000 कमाते हैं, इसमें आप डेब्ट की पैसा आपको देना जरूरी है, डेब्ट की पैसा 40,000 देना जरूरी है, डेब्ट को पैसा देना जरूरी है, प्रिफरेंस की पैसा 1 लाख देना जरूरी है। अब आपके पास पैसा कितना बच गया? आपके पास 40,000 रुपीज बच गई, जबकि इक्विटी का एक्सपेक्टेशन कितनी है? इक्विटी एक्सपेक्टेशन कितनी है? तो इक्विटी एक्सपेक्टेशन 60,000 है। तो इक्विटी एक्सपेक्ट कर रहा है 60,000, आप दे रहे हैं उसको 40,000, तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पा रही है। और जब इक्विटी की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाएगी तो क्या करेगा? वो डिसटिस्फाइड होगा। डिसटिस्फाइड इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेगा आपकी कंपनी में? अपने शेयर को बेचेगा और शेयर को बेच के दूसरे शेयर को खरीदेगा। तो जब सेलिंग प्रेशर, ये मार्केट में रूमर जाएगा कि इस कंपनी की इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हो पा रहा है, तो वो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा आपकी कंपनी का। और सेलिंग प्रेशर बढ़ने से आपकी कंपनी क्या करेगी? मार्केट प्राइस पर शेयर कम होगा। और मार्केट प्राइस पर शेयर कम होना आपका कंपनी के लिए वर्स्ट केस है, सबसे बड़ी, सबसे खराब केसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर कम हो, ठीक है ना बेटा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लिया जाए इक्विटी में आपको 2 टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, एक तो प्रमोटर होल्डिंग, एक फ्री फ्लोट शेयर होल्डर। फ्री फ्लोट शेयर होल्डर, फ्री फ्लोट शेयर होल्डर, तो ये क्या है? ये जो, ये तो भाई प्रमोटर है, इनको ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करनी है, लेकिन ये जो है ये अब सिर्फ अपने रिटर्न के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। उनकी एक्सपेक्टेशन मीट होगा तो इक्विटी में रहेगा, नहीं एक्सपेक्टेशन मीट होगा तो, नहीं एक्सपेक्टेशन मीट होगा तो सेल द शेयर, सेल द स्टॉक को सेल करेगा, बाई न्यू शेयर ऑफ अदर कंपनी, दूसरे कंपनी के शेयर को बाई करेगा जहां से इनकी एक्सपेक्टेशन मीट होगी। तो आपके कंपनी का सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, सेलिंग प्रेशर आपके कंपनी का, कंपनी के मार्केट प्राइस, सेलिंग प्रेशर आपकी कंपनी का बढ़ जाएगा, आपके कंपनी में सब लोग सेल करने के लिए कोशिश करेगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपके कंपनी का डिक्रीज कर जाएगा, जो आपको वर्स्ट केस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबसे बेकार केस है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेकार केसेज है, इसके लिए हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई मार्केट प्राइस पर शेयर मेंटेन करने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ शेयर होना जरूरी है, कम से कम उतनी रिटर्न होना जरूरी है जो इनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करे, तभी वो होल्ड करेगा, तभी रहेगा, अदरवाइज वो मार्केट प्राइस पर शेयर आपको बेचेगा, ठीक है ना बेटा? तो सेलिंग प्रेशर आपके कंपनी का नहीं होने देने चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंड्स प्रोवाइडर्स। In other way, it is a return, minimum return, at which market price per share of equity share, maintain the current market price per share of the equity share.
तो चलिए इसकी मैं आपको डिफिनेशन में समझाता हूं। यहां पे चलिए लिखिए, प्लीज प्लीज लिखो बेटा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडर, टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडर। प्लीज लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंड्स प्रोवाइडर्स, फंड्स प्रोवाइडर, टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फंड्स प्रोवाइडर। ठीक है, अब दूसरे साइड से क्या लिखेंगे आप, इन अदर वे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस, जिसकी लॉजिक मैंने दोनों आपको समझाया था, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस। इन अदर वे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस एग्जांपल को मैंने समझाया था उसी एग्जांपल को मैं फिर से लिखवा रहा हूं, आप देखिएगा। Let us consider a company has to raise rupees 20 lakh. It has been raised as follow. एक कंपनी को 20 लाख चाहिए और 20 लाख कैसे रेज किया गया, रुपीज 5 लाख फ्रॉम डेप्ट एट द रेट ऑफ 8%, रुपीज 10 लाख फ्रॉम इक्विटी एट द रेट ऑफ 10%, रुपीज 5 लाख फ्रॉम इक्विटी एट द रेट ऑफ 12%। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्लीज इस एग्जांपल को लिखो तो आप लोग, प्लीज इस एग्जांपल को लिखो तो बेटा आप लोग, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर कंपनी हैज टू रेज रुपीज 20 लाख एंड इट हैज बीन रेज्ड एज फॉलो, रुपीज 5 लाख फ्रॉम डेब्ट एट द रेट ऑफ 8%, रुपीज 10 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ 10%, रुपीज 5 लाख फ्रॉम इक्विटी एट द रेट ऑफ 12%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लीज लिखिए आप, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लीज लिखे आप, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने 20 लाख को पैसा चाहिए, हमने तीन सोर्सेस उठाया, 5 लाख फ्रॉम डेब्ट एट द रेट ऑफ 8%, 10 लाख फ्रॉम प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ 10%, रुपीज 5 लाख फ्रॉम इक्विटी एट द रेट ऑफ 12%। नाउ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम कैसे निकालेंगे, प्लीज आप लोग अपना डाउट जरूर पूछेंगे बेटा। कॉस्ट फॉर डेब्ट कैपिटल 8% ऑफ 5 लाख रुपीज 40,000, कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस कैपिटल 10% ऑफ 10 लाख रुपीज 1 लाख, कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल दिस 60,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20 लाख, ये 2 लाख हो जाएगा, ये आपको 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा बेटा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कॉस्ट फॉर डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल, टोटल आपको कितना कैपिटल हो जाएगा, 10% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कॉस्ट फॉर डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट फॉर प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट फॉर इक्विटी कैपिटल,
अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये जो 10% आया, हम इसको अभी कॉपी मत करना, जस्ट आप समझने की कोशिश करना कि हम दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसको एक कॉस्ट फॉर कॉस्ट टेबुलर फॉर्म निकाल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में। अब हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का तरीका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम ऐसे कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम इसको ऐसे लिखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखते हैं, सोर्स ऑफ कैपिटल, फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल अमाउंट, फिर यहाँ पे वेट लिखते हैं, फिर यहाँ पे कॉस्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे वेटेड कॉस्ट लिखते हैं, वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। तो हमारे पास कहाँ से पैसा उठाया गया था, डेब्ट प्रेफरेंस और इक्विटी से पैसा उठाया गया था, तीन तरीके से पैसे उठाए गए थे। डेब्ट पे हमारे पास 5 लाख था, ये 10 लाख था, ये हमारे पास 5 लाख, टोटल कैपिटल हमने कितना उठाया था, 20 लाख रुपीज उठाया था, टोटल कैपिटल हमने 20 लाख रुपीज रेज किया था। अब वेट्स कैसे होगा, यहां पे 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये 0.25 हो जाएगा, फिर यहां पे 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये 0.50 हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये 0.25 हो जाएगा। एक बात याद रखना बेटा, हम इसे वेट का सम हमेशा 1 होता है, वेट का सम हमेशा 1 होता है, वेट का सम हमेशा 1 होता है। अब यहां पे कॉस्ट लिखा गया, तो कॉस्ट में हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा, तो कॉस्ट यहां पे डेब्ट का कॉस्ट आपका, डेब्ट का कॉस्ट 8% है, प्रेफरेंस की कॉस्ट 10% है और इनकी कॉस्ट 12% है। अब आपको सपोज कीजिए ए है ये बी है, तो वेटेड कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, ए इंटू बी करके वेटेड कॉस्ट निकाली जाती है, ए इंटू बी करके वेटेड कॉस्ट निकाली जाती है, ए इंटू बी करके हम क्या निकालते हैं, वेटेड कॉस्ट निकालते हैं बेटा, ए इंटू बी करके वेटेड कॉस्ट निकालते हैं। अब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25 × 8, 0.25 × 8%, ये आपको 2% हो जाएगा, 0.50 × 10, 0.50 × 10, ये आपका 5% हो जाएगा, 0.25 × 12, 0.25 × 12, ये आपका 3% हो जाएगा। ये तीनों को ऐड करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपको 10% हो जाएगा, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास कितना हो गया, 10% हो गया। अब आप समझने की कोशिश करेंगे अल्टीमेटली मैंने क्या किया,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 10% आ गया बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 10% आ गया। अल्टीमेटली मैंने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे कॉस्ट को, हमने यहाँ पे क्या किया आपको, हमने यहाँ पे कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई किया, हमने यहाँ पे कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई किया, और कॉस्ट को वेट से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा, हमने 0.25 को हमने 8% से मल्टीप्लाई किया, 0.50 को हमने 10% से मल्टीप्लाई किया, हमने 0.25 को हमने 12% से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके सारी चीजें लिखी, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये आपका वेटेड कॉस्ट आ गया। अब सपोज कीजिए इसकी हम लिखना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट को लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे बताइएगा। हम ये हमारी टेबुलर फॉर्म में हो गया, और जो 10% हमने पहले निकाला था उसी को कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, उसी को हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक है बेटा, हमारे हमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, एक मिनट बेटा प्लीज वेट करना आप लोग। चलिए चलिए, माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है वो मुझे डिस्टर्ब आज कर रहा है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगा, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं बेटा। चलिए प्रॉब्लम आ रही है आज,
आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास से एग्जैक्ट 7 o'clock हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू होगा, ठीक है ना बेटा? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट एग्जैक्ट 7 o'clock स्टार्ट करेंगे।